राधे दोस्तों कैसे आप सब दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी कार्तिक महीना चल रहा है और कार्तिक महीना जो है हमारे सनातन धर्म में धर्म कर्म उपाय यातना और साधना का महीना माना जाता है हिंदू धर्म में कार्तिक महीना बहुत ही विशेष महत्व वाला माना जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि की पूजा आराधना की जाती है और व्रत आदि किया जाता है जी हाँ दोस्तों वैसे ही कार्तिक पूर्णिमा का भी जो है हमारे सनातन धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है कार्तिक पूर्णिमा विशेष तौर से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था तो ऐसे में बताया जाता है कि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी स्वर्ग लोक से धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की हर परेशानी खत्म कर देते हैं हर महीने का आखिरी दिन पूर्णिमा होती है तो इस बार दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा उन्नीस नवंबर शुक्रवार के दिन को पड़ रही है कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरा राक्षस का वध किया था और इसी खुशी में देवताओं ने दीप प्रज्वलित करके खुशियाँ मनाई थी इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है मान्यता है कि दोस्तों इस दिन गंगा घाट पर देवी देवता स्नान करने के लिए आते हैं और इसीलिए वाराणसी का गंगा घाट देव दीपावली का दिन रोशनी से नहाया जाता है चारों ओर दीप जलाकर रोशनी की जाती है और इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप कुछ विशेष उपाय करते हैं तो दोस्तों आपकी धन से जुड़ी हर परेशानी खत्म हो जाती है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी जो है दोस्तों आज के दिन उनकी पूजा और उनके लिए व्रत अगर आप रखते हैं तो आपको धन से जुड़ी और आपके जीवन में जो भी दिक्कत परेशानी है वह हर परेशानी खत्म हो जाती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के भी महत्ता बताई गई है तो दोस्तों पूर्णिमा पर अगर आप किसी पवित्र विशेष पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य पुण्यदयी माना जाता है अगर आपके नज़दीक कोई भी किसी प्रकार की पवित्र नदी नहीं है और आप स्नान करने भी नहीं जा सकते हैं तो एक काम कीजिए कि आज सुबह जल्दी उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर या फिर घर की जो पानी की टंकी है उसमें अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें ऐसा करने से दोस्तों हर परेशानी खत्म होती है और गंगा नदी का स्नान प्राप्त होता है और इस दिन उगते हुए सूर्य को जल देना भी काफी शुभ माना जाता है और आज के दिन पूर्णिमा के दिन दान का भी विशेष महत्व होता है इस दिन अन्न और वस्त्र आदि का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है इस दिन चावल का दान करने से जो है चंद्रमा मजबूत बनता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी देव स्थान पवित्र नदी या सरोवर में जाकर दीप दान अवश्य करें इस दिन देव इस दिन देव दीपावली हो देव दीपावली होती है तो इस दिन दीप दान करने से देवताओं का आशीर्वाद भी आपको मिलता रहता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी में दीप प्रज्वलित करके विधिवत पूजन अवश्य करना चाहिए जी हाँ दोस्तों कार्तिक का महीने में जो है तुलसी पूजा करना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है तो ऐसे में आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन मात्र एक दीपक जलाकर भी तुलसी जी के समीप दीपक जलाकर भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी जी को प्रश्न कर सकते हैं साथ ही आज के दिन शालिग्राम का पूजन करना भी बहुत ही जरूरी बताया जाता है ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति आपके घर में बनी रहती है कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य गेट पर आम के पत्तों और फूलों के तोरण जरूर लगाएं, रंगोली बनाएं और भगवान सत्यनारायण की कथा करें इससे भगवान विष्णु जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी भी प्रश्न होती है और आपके घर में धन धान्य से आपको जो है भर रहते हैं लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि दोस्तों आज पूर्णिमा के दिन किसी भी तरह का वाद विवाद आपको नहीं करना चाहिए इतना ही नहीं किसी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल न करें पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन और मदिरा आदि से आपको दूरी बनाए रखनी चाहिए साथ ही आज के दिन किसी जरूरतमंद को मदद करें और किसी का अपमान भी भूल से भी आपको नहीं करना चाहिए हो सके दोस्तों आज के दिन जितना हो सके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का स्मरण करें क्योंकि आज के दिन आप जितना भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का नाम लेंगे उतना ही आप जीवन में खूब तरक्की करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज श्री हरि को प्रश्न करने के लिए आपको गाय से जुड़ा हुआ भी एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही गाय को पूंजी में भी माना जाता है मान्यता के अनुसार तो गाय में तैंतीस कोटि देवी देवता निवास करते हैं तो वही दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप परेशानियां खत्म हो जाती हैं अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है लेकिन क्या आपको पता है कि एक गाय को रोटी खिलाना इतना अधिक पुण्यदायी क्यों माना जाता है वो भी पूर्णिमा के दिन क्योंकि दोस्तों आज पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी स्वर्ग लोग से धरती पर विचरण करते हैं और माता लक्ष्मी जी का यह ध्यान रहता है कि कौन सा व्यक्ति जो है विशेष शुभ कार्य कर रहा है तो माता लक्ष्मी जी के साथ साथ आपके ऊपर तैंतीस कोटि देवी देवताओं की भी कृपा अगर आप बना ना रखना चाहते हैं तो गाय की सेवा जरूर करें क्योंकि गाय गाय में दोस्तों तैंतीस कोटि देवी देवताओं का वास होता है तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है तो अगर आप चाहते हैं कि हर है रोज आप तैंतीस कोटि देवी देवताओं की सेवा करें उनका पुण्य फल प्राप्त करें उनका आशीर्वाद प्राप्त करें गाय की सेवा करें तो दोस्तों

होते हुए हो। तो रोटी बनाते समय सबसे पहला भोग जो है दोस्तों अग्नि भोग बताया जाता है तो पहला भोग देव को लगा दीजिए अब जब घर की दूसरी रोटी आप बना रहे हो तो दोस्तों दूसरी रोटी आप गाय के नाम से लग रखते हैं अब घर का काम पूरा हो जाए आप फ्री हो जाए तो दोस्तों दूसरी रोटी जो गाय के नाम से लग रखी थी उस रोटी के ऊपर सबसे पहले शुद्ध देसी घी लगा दीजिए अब घी लगवाने के बाद दोस्तों उस रोटी के ऊपर जो है सात चुटकी हल्दी जी हाँ दोस्तों सात चुटकी हल्दी और साथ ही गुड़ की डली जो है उसे रोटी के ऊपर आपको लगा देनी और आप जहाँ कहीं पर भी बाहर आपको गाय दिखें घर के नज़दीक उसे गाय को खिला देनी और गाय को रोटी खिलाते समय आपकी जो भी परेशानी है या फिर मनोकामना है जिस काम में आपको असफलता मिल रही है उसे बोलते हुए गाय को ऊपर रोटी खिला दीजिए ऐसा करने से दोस्तों आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है और जीवन में जो आप खूब तरक्की करते हैं बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आपको ये उपाय करना चाहिए और साथ ही दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा पर देवी देवता पृथ्वी पर आकर गंगा स्नान करते हैं इसलिए इस दिन गंगा स्नान आपको अवश्य ही करना चाहिए या फिर पानी में गंगाधर डालकर स्नान करना चाहिए इसी के साथ पूर्णिमा पर क्षमता अनुसार अन्न वस्त्र का दान करना चाहिए पूर्णिमा तिथि पर चावल का दान करना काफ़ी शुभ और अच्छा माना जाता है पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा भी की जाती है और भगवान विष्णु जी को तुलसी जो है अति प्रिय है इसलिए पूर्णिमा के दिन तुलसी में पूजन करना काफ़ी शुभ माना जाता है ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और सकारात्मकता बढ़ती है और जीवन में आप खूब तरक्की करते हैं दीप दान करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन देव दीपावली भी होती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी नदी सरोवर के किनारे दीप दान अवश्य ही करना चाहिए यदि नदी या सरोवर पर नहीं जा सकते तो देव स्थान पर जाकर दीप दान करना चाहिए या फिर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर घर के मंदिर पर या फिर तुलसी जी के पास एक देसी घी का दीपक आज के दिन ज़रूर लगाएं ऐसा करने से दोस्तों जीवन की हर परेशानी ख़त्म हो जाती है और जीवन में आप दिन धोनी रात चौने तरक्की करते हैं